इस वीडियो में ऐसी बातें और ट्रिक्स बताई गई हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है पर आपके काम की है, तो डोंट स्किप दिस वीडियो। सो हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पता लगाना है आपके माइनक्राफ्ट के डिलीट हो चुके वर्ल्ड्स अभी भी फाइल्स में है या नहीं। भाई ऐसा हो सकता है कि आपके वर्ल्ड्स अभी भी फाइल्स में ही हों पर आपको नहीं पता वो कहाँ पर हैं और इसलिए आप उनको माइनक्राफ्ट में लगाकर चला नहीं पा रहे हो। मैं उन वर्ल्ड्स को ढूंढने का तरीका भी बताऊंगा और उनको कैसे चलाना है वो भी बताऊंगा। पर उससे पहले कुछ बातें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना आप अपने वर्ल्ड्स को खो दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो इसको जरूर सुनो, ठीक है भाई। देखो क्या हुआ, जो मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी ना, इसका टॉपिक तो देखो आप पता लगा सकते हो, मतलब वीडियो में देखकर। मैंने इस वीडियो में एक कमेंट देखा, उस कमेंट में लिखा हुआ था कि भाई तूने मुझे गलत ट्रिक बताई और तुम्हारी वजह से मेरे जो वर्ड्स हैं वो डिलीट हो चुके हैं। अब भाई देखो आप मुझे ये बताओ कि मैं आपको गलत ट्रिक क्यों बताऊंगा। भाई देखो क्या हुआ ना, इस वीडियो में मैंने आपको ट्रिक बताई है कि कैसे आपको माइनक्राफ्ट को बैकअप करना है और कैसे फिर नया वर्जन इंस्टॉल करके वापस उन वर्ल्ड को नए वर्जन में कैसे चलाना है। तो भाई देखो मेन बात ये हुई कि अगर आपने माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड को बैकअप किया है ना, तो उसको चलाने के लिए आपको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब वापस उसको लगाना पड़ता है चलाने के लिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि भाई मान लीजिए आपने अपने पैसों को ना लॉकर में जमा किया है जिससे वो खो ना जाए, ठीक है। ठीक है, आपने पैसों को लॉकर में रखा है, पर अगर आप कुछ सामान खरीदना चाहते हो तो आपको उन पैसों को ना निकालना पड़ेगा, ठीक है, कुछ सामान खरीदने के लिए। तो भाई ऐसा ही माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड्स का फंडा होता है कि अगर आपने माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड को बैकअप किया है ना, तो माइनक्राफ्ट में चलाने के लिए वापस उसको निकालना पड़ेगा, वापस उसको कॉपी या वहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई आपने भी ऐसे अपने वर्ल्ड्स को ना बैकअप में कर लिया होगा पर उसको लगाया नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अपने उन वर्ल्ड्स को ढूंढना है और फिर माइनक्राफ्ट में कैसे उनको चलाना है। तो आ जाओ मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको करना क्या होगा। तो भाई सबसे पहले देखो आपको क्या करना होगा, माइनक्राफ्ट को अपडेट कर लेना, मतलब नया वर्जन इंस्टॉल कर लेना, जिसका लिंक आपको मेरे WhatsApp चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, ZArchiver में आना है और यहाँ पर आपको फोल्डर को ढूंढना है। एक फोल्डर मिलेगा आपको गेम्स का, ये आपको तब देखने को मिलेगा जब आपका वर्जन 1.16 से पुराना होगा, ठीक है। तो अगर आपके मोबाइल में फोल्डर है तो उसके अंदर जाना है और यहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा माइनक्राफ्ट वर्ल्ड्स का, इसमें आपको क्लिक करके देखना है कि फाइल से है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको आगे की प्रोसेस नहीं करनी है, आपको अगली प्रोसेस करनी है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा अगली प्रोसेस कौन सी है, ठीक है। अगर ये वाला है तो आपको क्या करना है, माइनक्राफ्ट वर्ल्ड वाले फोल्डर को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने की ट्रिक आगे भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। फिर एंड्रॉइड और डाटा के फोल्डर में आना है और यहाँ पर आपको देख सकते हो, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर कॉमडेंट मोजैंग का फोल्डर भी होता है, ठीक है। तो ये जो फोल्डर है ये भी माइनक्राफ्ट का है, ये अभी नए वर्जन में काम करता है और आपको यहाँ पर ला के इसको पेस्ट करना है, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखो कहाँ पर, यहाँ पर माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में नहीं, इसके पीछे, मतलब इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पर आपको पेस्ट करना है हरे वाले बटन पर दबा के, वो आपको आगे की प्रोसेस में देखने को मिल जाएगा। मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपके मोबाइल में ये दोनों फोल्डर हैं तो आपको आगे की प्रोसेस करनी है, अगर ये फोल्डर नहीं है तब आपको जो करना है वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे मेन कार्य तो देखो भाई यही है कि आपको अपडेट कर लेना है अपना माइनक्राफ्ट, ठीक है, तब आपकी सारी ट्रिक वर्क करेगी। आपको आ जाना है इसके सर्च बार में, ZArchiver के सर्च बार में, ठीक है। यहाँ पर सर्च करना है माइनक्राफ्ट वर्ल्ड्स, इसमें W बड़ा होना चाहिए, तो एग्जैक्ट आपको सेम ऐसे ही लिखना है, ठीक है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो फोल्डर मुझे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले फोल्डर के नीचे जो व्हाइट लाइन में लिखा है, ये इसकी लोकेशन है, ठीक है। स्टोरेज एमुलेटेड 0, ये तो हमारा डिवाइस का स्टोरेज हो गया। उसके बाद एंड्रॉइड डाटा, ये दोनों एंड्रॉइड डाटा फोल्डर है। उसके बाद कॉम्प्रेट मोजैंग, ये भी फोल्डर है, ठीक है। तो इन फोल्डर में ये माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का फोल्डर्स है, ठीक है। अब देखो माइनक्राफ्ट वर्ल्ड नीचे वाला देख रहे हो ना, स्टोरेज एमुलेटेड 0 माइनक्राफ्ट, मतलब ये एक अलग नाम के फोल्डर में है जिसका नाम माइनक्राफ्ट है, पर ऊपर वाला ओरिजिनल में है, मतलब माइनक्राफ्ट के फोल्डर में है, तो नीचे वाला अलग में है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से सिलेक्ट किया इस जगह पे क्लिक करके और वापस इसको हमने कट कर लिया। कट करने के बाद एंड्रॉइड फोल्डर में आना है, मतलब डिवाइस स्टोरेज के एंड्रॉइड फोल्डर में, डाटा फोल्डर में, और नीचे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो यही com.mojang, ये हमारा ओरिजिनल फोल्डर है जो नए वर्जन में काम करता है, ठीक है। आपको यहाँ पर अंदर इस साइड में आ जाना है और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है इस हरे से बटन पर क्लिक करके। आप देख सकते हो यहाँ पर हरा सा बटन है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये फोल्डर आपके माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में चला जाएगा और जो फोल्डर, जो वर्ल्ड वहाँ थे, वो यहाँ पर आकर आपके नए वाले माइनक्राफ्ट में काम करने लग जाएंगे। अगर आपको ये दोनों फोल्डर देखने को नहीं मिलते तब आपको क्या करना है वो मैं आपको अब बताता हूँ, ये हमारी दूसरी ट्रिक है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये दोनों फोल्डर आपको नहीं मिलते तो आपको सर्च बार में आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है MC World, ठीक है। ये पूरा स्मॉल लेटर में लिखना है आपको MC World, इस तरीके से आपको लिख देना है और फिर आपको सर्च कर लेना है टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक, मतलब टिक वाले बटन पर क्लिक करके। अब देखो यहाँ पर सर्चिंग जो है वो शुरू हो गई है,
यहाँ पर देख सकते हो लकी स्काई ब्लॉक। अभी यहाँ पर जो लकी स्काई ब्लॉक है ये मेरा एक वर्ल्ड है जो मैंने डाउनलोड किया था और ये इसकी फाइल जो है वो पहले से पड़ी हुई है, ठीक है। अब मान लो आपके माइनक्राफ्ट में से डिलीट हो गया तो आपको आप क्या करोगे, देखो स्टोरेज एमुलेटेड डॉट मतलब जीरो के बाद माइनक्राफ्ट है ना, तो ये एक हमारे डिवाइस के स्टोरेज में माइनक्राफ्ट का एक फोल्डर है उसमें है ये वाली फाइल एमसी वर्ल्ड, ठीक है ये वर्ल्ड। तो हम क्या करेंगे, डिवाइस स्टोरेज में चले जाएंगे। डिवाइस स्टोरेज पर क्लिक करने के लिए आप डिवाइस स्टोरेज पर क्लिक करो, नीचे स्क्रॉल करो और माइनक्राफ्ट का वो फोल्डर ढूंढो। मतलब आपके मोबाइल में कोई और सा फोल्डर हो सकता है, जरूरी नहीं है यही वाला होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो लकी स्काई ब्लॉक, आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला जो वर्ल्ड है वो यहाँ पर है। अगर आप इसको आपको ऐसे वर्ल्ड मिल जाते हैं अपने आपके वर्ल्ड ऐसे मिल जाते हैं तो आपको उस पर क्लिक करना है और इस तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर माइनक्राफ्ट के ऑप्शन पर आपको दो बार क्लिक करना है तो डायरेक्टली आपके माइनक्राफ्ट में लग जाएगा, ठीक है। इतना आपको हो गया, इतना आपको कर लेना, बाकी आपको दोबारा से सर्च बार में आ जाना है और फिर यहाँ पर आपको सर्च करना है com.mojang, ठीक है। जैसे आप ये चीज सर्च करते हो com.mojang, फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं, अर्चीव वाला एक ऑप्शन है ना थर्ड नंबर पे, उस पर क्लिक करना है और ये ऑरेंज हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, और फर्स्ट में आ जाएगा। अब देखो जब ये ऐसा हो चुका है आपको सर्च कर लेना है, ये फिल्टर है जो सिर्फ जो फाइल जिप फाइल आपको दिखाएगा, ठीक है। अब देखो com.mojang नाम से जितनी भी जिप फाइल थी वो यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर एक ही फाइल है, ठीक है। अब इस फाइल को हमको क्या करना है, ये हमारे एंड्रॉयड और डाटा के फोल्डर में है पर ये बैकअप में है, तो इसको हमको बैकअप है ना, ये हमारा बैकअप होता है, ये मैंने करवाया होगा आपके मोबाइल में, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है इस तरीके से, फिर ये जो डिब्बे वाले ऑप्शन दिख रहा है ना आपको कट के बगल में, यहाँ पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके एक ऑप्शन दिखता है ना एक्सट्रैक्ट डॉट डॉट डॉट, उस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये जो एक्सट्रैक्ट वाला ऑप्शन है ना ये एक पर्टिकुलर फोल्डर में आपको एक्सट्रैक्ट करवाएगा, ठीक है। देख सकते हो एंड्रॉइड का फोल्डर आ चुका है, जैसे इस पर क्लिक करोगे फिर डाटा में आ जाना है, फिर यहाँ पर आपको ये जो हरा सा बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। जब ये यहाँ पर पेस्ट होगा यहाँ पर अप्लाई टू ऑल वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना, और रिप्लेस का जो ऑप्शन है ना भाई आपको वहाँ पर क्लिक करना है और किसी पर क्लिक मत करना, ठीक है। मैंने रिप्लेस पर क्लिक कर दिया है और अब देख सकते हो यहाँ पर एक्सट्रैक्टिंग जो है वो चालू हो चुकी है, अब कंप्लीट भी हो चुकी है। अब ये जो फाइल है वो आपकी माइनक्राफ्ट में जाकर लग गई है, फिर आपको क्या करना है, देखो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जब नया वर्जन जो आपका होगा उसमें जाना है और स्टोरेज लोकेशन में जाना है आपको माइनक्राफ्ट की सेटिंग में जाके और इसको एक्सटर्नल पर सेट कर देना है। जैसे आप इसको एक्सटर्नल पर सेट करते हो तो जितनी भी फाइल्स हैं वो आपकी माइनक्राफ्ट में वर्क करने लग जाएगी, ठीक है। आपके सारे वर्ल्ड आपके माइनक्राफ्ट में चालू हो जाएंगे, तो आपको यही करना है तभी आपके वर्ल्ड काम करेंगे वरना काम नहीं करेंगे। और जो com.mojang वाला फोल्डर है ना उस पर माइनक्राफ्ट का लोगो जो है वो आना चाहिए, ठीक है। जिसमें लोगो आएगा वो सारी प्रोसेस आपको उसमें करनी है। बाकी आपको कोई भी माइनक्राफ्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो और डिस्कॉर्ड सर्वर पे अगर आप भेजते हो मुझे तो उसकी जो क्वालिटी है भाई वो डाउन नहीं होगी, ठीक है। तो आप हो सके तो डिस्कॉर्ड सर्वर पे स्क्रीनशॉट मुझे भेजना। बाकी अगर आप हमारे स्नैपी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको सभी सब्सक्राइबर वहाँ पर मिल जाएंगे, आप उनसे बात कर सकते हो और मुझसे ही बात कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी यार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय मेरे प्यारे दोस्तों।